झारखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर जेपीएससी से पास 16 अकाउंट ऑफिसर को भी आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नियुक्ति पत्र दिया है। ये हमारे हाथ में आप नियुक्ति पत्र देख सकते हैं। और जो 16 लोग अकाउंट ऑफिसर की परीक्षा जो है पास किए हैं जेपीएससी से, और आज झारखंड राज्य स्थापना दिवस के दिन इनको जो नियुक्ति पत्र सौंपा गया है वो देख सकते हैं। ये अकाउंट ऑफिसर बने आप लोग? यस, अकाउंट ऑफिसर बने हैं जेपीएससी पर। हाँ, जेपीएससी के द्वारा। सिर्फ 16 ही लोग? 16 ही लोग थे, 16 ही पद का नियुक्ति निकला था। विज्ञापन संख्या 06/2019 था, तो उसकी प्रारंभिक परीक्षा पहले हुई, फिर बाद में मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हम लोग को 10 तारीख हुआ था और रिजल्ट भी उसी दिन आ गया था। जेपीएससी के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि इंटरव्यू के 4 घंटे बाद रिजल्ट जारी कर दिया गया। इंटरव्यू खत्म हुआ 4 घंटे में रिजल्ट? यस, 4 घंटे के अंदर रिजल्ट आ गया था। कम लोग थे क्या? हाँ, टोटल 43 कैंडिडेट हम लोग गए थे इंटरव्यू में और 16 लोगों का चयन हुआ उसमें से। पहली बार हो रहा है जेपीएससी से झारखंड में कि इससे पहले हुआ? नहीं, पहली बार हो रहा है। हाँ, क्या बोलेंगे आज जो नियुक्ति पत्र मिला? आज नियुक्ति पत्र देने के लिए विभाग द्वारा हम लोग को पहले बुलाया गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया गया और यहाँ पे आकर नियुक्ति पत्र दिया गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उपेंद्र ठाकुर है। कहाँ से? गढ़वा जिले के नगर उटारी से हूँ, बंसीधर नगर से। गाँव का नाम कटर कला है। मंदिर है वहाँ? हाँ, मंदिर है, बंसीधर मंदिर है। क्या नाम है आपका? चंद्रगुप्त अशोक वर्धन। कहाँ से? गुमला से हूँ सर। गुमला से हैं तो आप भी बन गए? जी सर। क्या काम कीजिएगा? अकाउंटिंग का काम करना है म्युनिसिपैलिटी एरिया में। अभी तो सर बेसिकली पहले ट्रेनिंग दी जाएगी 2 महीने की। तो ये 16 जो है सब अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के ही अंदर है? यस सर, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ये कौन सा ग्रेड का होता है जो? सर ये 5400 ग्रेड पे का है सर, 5400 ग्रेड पे का सर। ऑफिसर ग्रेड? यस सर। आपका नाम? गौरव प्रभाकर है। कहाँ घर हुआ? खूंटी जिला से हूँ। किसे हैं? आज तो बिरसा मुंडा का। जी हाँ। क्या बोलेंगे? बहुत जल्दी रिजल्ट दे दी गई, 16 अकाउंट ऑफिसर पहली बार नियुक्ति हुई है, अल्टीमेटली 4 घंटे में रिजल्ट मिली है। 1:30 बजे तक इंटरव्यू चली थी, 4 घंटे में 8 बजे तक रिजल्ट आ गई। अच्छा लग रहा है। को पता था कि जिस दिन इंटरव्यू हो रहा है उसी दिन रिजल्ट आ जाए? नहीं, झारखंड के इतिहास में पहली बार हुई है। लोक सेवा आयोग पहली बार 4 घंटे में रिजल्ट दी है। कौन कौन था इंटरव्यू में पैनल में? 4 मेंबर का पैनल बना हुआ था। जैसे हमारे मेरे में अनिमा हंसदा मैडम का पैनल मिला था मुझे, और बाकियों का नहीं पता मुझे। आज खुश हैं आप? जी। आपका नाम क्या है? चंदन कुमार सिंह मेरा नाम हुआ। मैं कोडरमा जिले से हूँ और मैं सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और मैं लेखापाल अधिकारी के पद पर चयन हुआ हूँ। आप भी बन गए मैडम? यस सर। कहाँ से हैं, क्या नाम है? मेरा नाम कुमारी शुभा जायसवाल है, मैं रांची से ही हूँ। रांची से हैं। तो क्या बोलेंगे, इससे पहले कहीं जॉब कर रहे थे? नहीं, इससे पहले कहीं जॉब नहीं कर रही थी। तैयारी कर रहे थे? हाँ, तैयारी कर रहे थे। क्या ग्रेजुएशन पास कोई भी भर सकता था या इसके लिए अलग? नहीं, ग्रेजुएशन के साथ अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, मैथ्स के ऑनर्स के कैंडिडेट फिल कर सकते थे फॉर्म। जो नियुक्ति पत्र दिया गया क्या बोलेंगे? क्या बोल सकते हैं, सबसे पहले तो स्थापना दिवस की शुभकामनाएं और क्या बोले, खुश है। काम करने का अवसर मिले? हाँ, काम करने का अवसर मिल रहा है। क्या नाम है मैडम? शालिनी सिन्हा। कहाँ से हैं आप? रांची। क्या बोलेंगी आज जो मिला नियुक्ति पत्र? बहुत खुश हूँ। बहुत इंतजार करना पड़ा? नहीं, इंटरव्यू और रिजल्ट तो बहुत जल्दी दे दिया जॉइनिंग हमें। तो बिल्कुल, देखिए कि जैसा कि ये बता रहे हैं कि जिस दिन इंटरव्यू इनका हुआ उसी दिन शाम को ही जो है 4 घंटे बाद इनका रिजल्ट भी प्रकाशित हो गया। आपका नाम क्या है? सर अमित टोपो। कहाँ से हैं? लातेहार जिला से। लातेहार से हैं। क्या बोलेंगे आज? सर काफ़ी खुश हैं और हम लोग देख रहे हैं कि झारखंड की तरक्की में अपना योगदान देने के लिए तैयार हैं, बहुत खुश हैं। कहाँ से हैं आप? लोहरदगा। लोहरदगा बन गए, ऑफिसर बन गए? जी हाँ। कहाँ कहाँ पढ़ाई किए थे आप? तो मैं जैन कॉलेज से धुरुआ, जैन कॉलेज धुरुआ से ग्रेजुएशन पास किया हूँ बीकॉम। और उसके बाद? उसके बाद बस तैयारी कर रहा था। जी हाँ। बहुत संघर्ष करना पड़ा कि? हाँ, संघर्ष तो करना पड़ा, उसके बाद सफलता प्राप्त हुई है। क्या क्या करना पड़ा? लंबा संघर्ष करना पड़ा तैयारी के लिए, उसका सफलता प्राप्त हुई अभी जाके। और घर में और पिताजी क्या करते हैं? पिताजी जी रिटायर हो गए हैं। रिटायर है? नहीं, टीचर नहीं है, सचिवालय में तो रिटायर कर गए हैं। आपका क्या नाम? मेरा नाम चंद्रदीप उरांव हुआ।
कहाँ से हैं? मैं रांची से हूँ। क्या बोलेंगे आज इतना बड़ा कार्यक्रम में आप लोगों को नियुक्ति पत्र मिला है? मैं बहुत खुश हूँ कि आज सीएम नियुक्ति पत्र दिया गया है। मेरा नाम प्रशांत कुमार है, मैं देवघर से हूँ और एक लंबे समय के बाद आज नियुक्ति पत्र मिला है, बहुत खुशी हुई है। बिल्कुल देखिए कि तमाम जितने भी कैंडिडेट पास हुए हैं उनके चेहरे पर खुशी है और ये आप देख सकते हैं कि इधर मंच है और मंच पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है और अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन संबोधित करने के लिए जा रहे हैं और ये पूरा आप देख सकते हैं कि कार्यक्रम स्थल जो रांची के मोरहाबादी मैदान में यहाँ पर भव्य तैयारी की गई थी। हालांकि पहले से तय था कि यहाँ पर राष्ट्रपति भी आएंगी, बाद में उनका कार्यक्रम जो है कैंसिल हो गया और वो नहीं आई, लेकिन फिर भी जो लोग हैं उनके मन में उत्साह जो है कम नहीं हुआ है और ये वही तस्वीरें हैं, खास करके नियुक्ति और रोजगार की मांग को लेकर जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं वो आज के दिन को बड़े आस भरी निगाह से देख रहे थे कि शायद उन्हें मौका मिलेगा, उन्हें भी नियुक्ति पत्र आज दिया जाएगा जो इंतजार कर रहे थे पिछले कई वर्षों से जो आंदोलन कर रहे थे, लेकिन आज नहीं हो पाया, आगे कब हो पाएगा ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। शुक्रिया। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। The followup.in Like, share and subscribe. www.thefollowup.in